खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरदा की। हरदा में जनपद पंचायत चुनाव में बवाल हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी किया। इधर मतदान देर से शुरू होने पर हंगामा हुआ है। बता दें आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदान देरी से शुरू होने पर हंगामा किया, पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग यहां पर किया, मतदान देरी से शुरू हुआ। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। और बता दें आपको, जनपद पंचायत चुनाव में देरी से मतदान को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई, विवाद हुआ, पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया। ये तस्वीर सामने आई है हरदा से। तो हरदा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जनपद पंचायत चुनाव में बवाल हुआ है। और चलेंगे हरदा, बात करेंगे सहयोगी कपिल मिश्रा से। कपिल, क्या कुछ पूरा मामला, किस बात को लेकर विवाद बढ़ा पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच? जी शुभम जी, आपको बता दूं, आज जनपद अध्यक्ष के लिए वोटिंग होना थी, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी इकट्ठे थे और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जब जनपद सदस्य अध्यक्ष के लिए वोटिंग करने जा रहे थे, तो उनमें से तीन या चार व्यक्तियों के ऑपरेशन हुए थे, जिनके लिए प्रॉक्सी वोटर की आवश्यकता थी। तब जो अंदर प्रॉक्सी वोटर जो जा रहे थे, उनको लेकर कांग्रेस नाराज हो गए, बोले ये भाजपा के कार्यकर्ता है और ये भाजपा को ही वोट देंगे, इसलिए उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। जिसके लेके कांग्रेस भी अंदर आगे बढ़ने लगे, पुलिस ने माहौल खराब होते देखते मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग कर सभी कार्यकर्ताओं को दूर किया। इस बात के दौरान हम बता दें आपको कि पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पटेल को चक्कर आ गए, उस समय वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। हालांकि कुछ समय बाद उठ गए, उन्होंने पानी और ग्लूकोज लेके, तो इस समय वो भी सुरक्षित है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।